व्यूअर्स, राइट नाउ मैं मुल्तान रोड वाली साइड पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इस वक्त SL3 की डेवलपमेंट का काम बहुत फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। जो सोसाइटीज़ वहाँ पर बनी, उन सोसाइटीज़ को इन रोड्स की कनेक्टिविटी के साथ एक बहुत बेहतर अप्रोच मिली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अली मीर एंड यू आर वाचिंग कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं साउदर्न लूप 3 लाहौर रिंग रोड इंटरचेंज, इसकी डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे, इसके बनते हुए या फिर इसके बनने के बाद किन सोसाइटीज़ को बेनिफिट होगा, इसका रास्ता क्या है, इसका आगाज़ क्या है, कहाँ पर इसका इख्तिताम होगा और SL3 से पहले गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए गए हैं उसमें क्या क्या बेनिफिट लोगों को मिला है और SL3 उसके साथ किस तरह से लिंक करता है, क्या कनेक्टिविटी है इसकी। सो इन तमाम चीज़ों को वन बाई वन आपके साथ डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, राइट नाउ मैं मुल्तान रोड वाली साइड पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इस वक्त SL3 की डेवलपमेंट का काम बहुत फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। इस रोड को 100% जो है वो ब्राउन कर दिया गया है और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसके पिलर्स का काम और जो स्टील वर्क का काम है उसको बहुत फास्ट ट्रैक पे किया जा रहा है। इंशाल्लाह जो टाइमलाइन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दी गई है उसके नियर बाय आपको इसकी कंप्लीशन जो है वो 100% मिलेगी। और अगर मैं इसके आगाज़ और इख्तिताम की बात करूँ तो अड्डा प्लॉट से इसका आगाज़ किया जा रहा है और 8 किलोमीटर का ये पैच है जिसको NFC फेज 2A ब्लॉक मुल्तान रोड के ऊपर इसका सबसे बड़ा जो इंटरचेंज है वो बना के दिया जाएगा। 90 मीटर्स का ये रोड है और 6 लेन्स का ये रोड है जिसमें आपको डिफरेंट जगहों के ऊपर इसके सबवेज भी मिलेंगे। बहरिया टाउन को क्रॉस करता हुआ ये NFC फेज 2 मुल्तान रोड के ऊपर आएगा और जैसा कि मैं आपको इस स्क्रीन पे दिखा भी पाऊँगा कि यहाँ पे इस वक्त मशीनरी जो है वो काम कर रही है, इंजीनियर्स जो हैं वो तमाम इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए जो इसकी डेवलपमेंट का काम है उसको कर रहे हैं। व्यूअर्स, SL3 को आपके साथ डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपको माजी में लेकर जाऊँ तो ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको आप GT रोड बोलते हैं, आप इस रोड को यूज़ करते हैं मुख्तलिफ शहरों को अप्रोच करने के लिए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ और डेवलपमेंट के बावजूद आज भी आपको वहाँ पे एक हैवी ट्रैफिक मिलती है और इस हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, टाइम सेविंग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मोटरवेज बनाई गई। इन मोटरवेज़ के आने के बाद आपको सिग्नल फ्री रोड मिला, आपको कंफर्टेबल ड्राइव मिली। जिन शहरों को आप 5 घंटे में अप्रोच कर रहे थे, मिसाल के तौर पे अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं और आप GT रोड को यूज़ करते हैं तो जो सफ़र आपने 5 घंटे में करना है आप मोटरवे को यूज़ करते हुए 3 घंटे के अंदर वो सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है। एक तो आपको कम्फर्टेबल ड्राइव मिल रही है, आपकी टाइम सेविंग हो रही है। अगर आप कारोबारी मामलों के लिए जा रहे हैं इस्लामाबाद तो उसमें आपकी टाइम सेविंग की वजह से आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब मोटरवेज़ के साथ दूसरे शहरों को लिंक किया गया तो वहाँ पे लोगों को कारोबार के मौके भी मिले, बड़े ब्रांड्स की अप्रोच भी वहाँ पर आई, बैंक्स भी वहाँ पर ओपन हुए। जो सोसाइटीज़ वहाँ पर बनी उन सोसाइटीज़ को इन रोड्स की कनेक्टिविटी के साथ एक बहुत बेहतर अप्रोच मिली, लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पर डिवेलप हुआ, वहाँ पर लेबर को बहुत ज़्यादा काम मिला। इसी के साथ साथ वहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट लोगों को मिला। जिन इलाकों के अंदर लोग जाना पसंद नहीं करते थे उन इलाकों की डेवलपमेंट उनके डेवलपर्स की तरफ से बहुत अच्छी की गई। आज वहाँ पे लोग रह भी रहे हैं, वहाँ पे कारोबार भी कर रहे हैं, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी आपको बड़े पैमाने पे मिलती है। और अगर मैं लाहौर शहर की बात करूँ तो लाहौर शहर में आपको 2 बड़ी मेन शाहराएँ मिल रही थी जिसमें फिरोजपुर रोड है और मुल्तान रोड है। नॉर्मली आप क्या कर रहे थे कि आप इन्हीं दोनों रोड्स को इस्तेमाल कर रहे थे लाहौर के अंदर मुख्तलिफ टाउन्स को, सोसाइटीज़ को, एरियाज़ को अप्रोच करने के लिए। सो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर आपको लाहौर रिंग रोड इंटरचेंज बना के दिया गया।
मिसाल के तौर पे अगर आप बहरिया टाउन से सफ़र करना चाह रहे हैं एयरपोर्ट का, तो अगर आप लाहौर रिंग रोड को एक्सेस करते हैं और उसके थ्रू आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो जो रास्ता आपने लाहौर के अंदरूनी जो सड़कें हैं उसको इस्तेमाल करते हुए एक घंटे में जो है वो कंप्लीट करना है, वही आप लाहौर रिंग रोड से 30 मिनट या फिर 25 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट मिला। लेकिन अगर स्पेसिफ़िकली लाहौर शहर की बात की जाए, तो SL3 से पहले SL2 जो लेक सिटी इंटरचेंज और फिर फिजाइया को क्रॉस करते हुए अड्डा प्लॉट की तरफ आ रहा है, तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आज ये देखने को मिलता है कि लाहौर का जो सबसे बड़ा दूसरा कमर्शियल हब बन रहा है वो लेक सिटी के पास बन रहा है। पाइन एवेन्यू रोड, वहाँ पर आपको डिफरेंट बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अलफतेह वहाँ पर आ गया, वहाँ पर मैकडोनल्ड्स आ गया, KFC वहाँ पर आ गया, विला दी ग्रैंड, इसी तरह से बड़े ब्रांड्स, बड़ी बेकरीज, बैंक्स और डिफरेंट वर्टिकल हाइट्स जो हैं वो वहाँ पे बनना शुरू होगी। जिसका बेनिफिट क्या हुआ कि लेक सिटी का कमर्शियल आज से 5 साल पहले आपकी अप्रोच में था, लेकिन अब वो करोड़ों रुपए में जा चुका हुआ है। लोग वहाँ पे रिहायशी एतवार से अपनी प्रॉपर्टीज़ बाय कर रहे हैं, बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, बैंक्स आ रहे हैं, कारोबारी मौके खुल रहे हैं। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाहौर रिंग रोड इंटरचेंज के बनने के बाद ये जिस रास्ते से गुजर रहा है, जहाँ से इसका आगाज़ हो रहा है और जहाँ पर इसका इख्तिताम हो रहा है, इसकी सराउंडिंग में आने वाली जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप इन सोसाइटीज़ के अंदर, लाइक आप बहरिया टाउन के अंदर, आप NFC फेज़ 2 के अंदर, मुल्तान रोड ब्लॉक जो बहरिया टाउन का ही आइसोलेटेड ब्लॉक है जो मुल्तान रोड वाली साइड पे लगता है, अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बाय करते हैं तो आपको जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी बेनिफिट मिलेगा, और अल्टीमेट आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर भी बेनिफिट मिलने वाला है। बिकॉज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हमेशा लोग बाय करते हैं कि हम किसी सोसाइटी के अंदर जाएँ, और अगर हमें लाहौर रिंग रोड इंटरचेंज की कनेक्टिविटी मिल रही है और उसके बाद हम लाहौर के किसी भी एरिया को ईजीली अप्रोच कर सकते हैं, तो फिर लोग ऐसी सोसाइटीज़ का इंतखाब करते हैं। बिकॉज लोगों को कंफर्टेबल और कंफर्ट जोन चाहिए, अपने रहने के लिए भी, अपने कारोबार के लिए भी, जॉब के लिए भी, और मुख्तलिफ ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी। सो व्यूवर्स, SL3 अड्डा प्लॉट से स्टार्ट होगा, GVR फेज़ 2, फेज़ 1, ट्यूलिप एक्सटेंशन, रफ़ी ब्लॉक, ओवरसीज सी ब्लॉक, तलहा ब्लॉक और इकबाल ब्लॉक की बैक साइड से गुजरता हुआ आपको NFC फेज़ 2 ए ब्लॉक में मुल्तान रोड वाली साइड पे इसका सबसे बड़ा पंजाब का जो इंटरचेंज है वो बनता हुआ नज़र आएगा, जिसकी डेवलपमेंट का काम आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ज़ोरों शोर से इसकी डेवलपमेंट चल रही है। सो आपके पास ये मौका है कि आप इसका फ़ायदा उठा के रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी में अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपने फंड्स में वो इंजेक्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर में लाहौर रिंग रोड इंटरचेंज के बनने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को बेनिफिट के साथ डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, अपनी खुद की रिहाइश कर सकते हैं। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने बाय करनी है तो उसमें आप अपना कारोबार कर सकते हैं, या फिर अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करके एक अच्छा और बेनिफिट जो है वो रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से गेन कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, SL3 तो बन जाएगा और बन भी रहा है, डेवलपमेंट इसकी बड़ी फास्ट ट्रैक पे चल रही है। आपके पास क्या मौका है, आप उसकी तलाश करें और स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके लाहौर रिंग रोड इंटरचेंज की डेवलपमेंट और इसकी सराउंडिंग में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, या फिर बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी के हवाले से आप मालूमात ले सकते हैं। मेरा नंबर है 0333-111-4600। नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में नई मालूमात के साथ दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।